तो हमें यहाँ पे ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखना है, तो डी बाई डी एक्स इसे हम सपोज वाई अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो लेट वाई इक्वल्स टू दिस वन। अब देखिए ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है, मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, आउटर फंक्शन ई हो गया जो साइन इनवर्स का फंक्शन है, साइन इनवर्स खुद किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, तो आउटर फंक्शन ई हो गया, फिर साइन इनवर्स है, फिर आपका एक्स है। तो अगर हम लोग इसको एज्यूम करके करना चाहते हैं तो साइन इनवर्स एक्स को कुछ हम लोग यू एज्यूम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू ई की पावर यू, वेयर यू इज साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो यू एक्स का फंक्शन है जबकि वाई यू का फंक्शन है, तो वाई को यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी यू दैट इज इक्वल्स टू डी बाई डी यू ऑफ ई की पावर यू दैट इज ई की पावर यू, तो डी वाई बाई डी यू आपका आ गया ई की पावर यू, लेकिन u हमारा डमी वेरिएबल है तो कभी भी आंसर डमी वेरिएबल में नहीं छोड़ेंगे हम लोग, सारे रिजल्ट्स को ओरिजिनल जो वेरिएबल्स x दिया गया उसमें रखेंगे, तो u आपका क्या है साइन इनवर्स x है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स x रख देते हैं, तो दैट इज e की पावर साइन इनवर्स x दैट इज योर डी वाई बाई डी यू से दैट इज अ रिजल्ट नंबर वन। अब u को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ यू दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स दैट कम्स आउट टू बी वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस, ये स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन होता है डी यू बाई डी एक्स दैट इज योर सेकेंड रिजल्ट। अब सिंस डीवाई बाई डी एक्स क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स इज डीवाई बाई डी यू इन टू डी यू बाई डी एक्स, अब दोनों वैल्यू रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से ही आ गया ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और सेकेंड से आ गया इंटू वन बाई ये आ जाएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट इज आंसर। लेकिन इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करने के लिए क्या था e की पावर का डिफरेंशिएशन करिए पहले, ठीक है, जब डायरेक्ट करते हैं हम लोग विदाउट एज्यूमिंग एनी थर्ड वेरिएबल या डमी वेरिएबल, तो डायरेक्ट मेथड कैसे सोचते हैं हम लोग, यहां पे e का डिफरेंशिएशन, e की पावर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई डी एक्स, e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर ही होता है, जो भी है e की पावर वही रहेगा, तो मतलब साइन इनवर्स x रहेगा और आगे क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ जो भी है साइन इनवर्स x। अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो e की पावर साइन इनवर्स x इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका एक स्टेप में आंसर आ जाता अंडर रूट वन माइनस, तो ये आपका डायरेक्ट हो गया डिफरेंशिएशन।